हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके विजिटर्स। मैं हूँ रूबी। हर बार की तरह हम आज भी कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ऑन द वे हैं, हम लोग आदर्शिला दरगाह पर जाने वाले हैं। दरगाह पर जाने के लिए आप किसी भी ट्रांसपोर्ट से कोटा आ सकते हैं। कोटा रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर की है, तो आप यहां पर आ सकते हैं। हम लोग यहां बाय ट्रेन आए हुए हैं। कोटा रेलवे स्टेशन से हमने पर्सनल व्हीकल किया है, तो हम फोर व्हीलर से हम दरगाह शरीफ के लिए जाने के लिए रवाना हुए हैं। तो मैं वहाँ पर चलकर आपको वहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग दरगाह शरीफ आ गए हैं। सामने एंट्रेंस है, हम वहाँ से एंटर होने वाले हैं। ये उसके आजू बाजू का नज़ारा है। बहुत बड़े एरिया में दरगाह बनी है यहाँ पर। गाइस, यहाँ ऐसा बोला जाता है कि इस दरगाह के ऊपर एक चट्टान आकर रुकी हुई है जो कि गिरती नहीं है, तो हम लोग अंदर जाके वही देखने वाले हैं। काफ़ी बड़ी दरगाह है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये देखिए गाइस सामने। अच्छा खासा रश मिल जाएगा आपको आप यहाँ आएंगे तो। हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ से दूर दिखाई दे रहा है, चंबल नदी दिखाई देती है यहाँ से। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको काफ़ी शांति फील होगी, काफ़ी अच्छा महसूस होगा। बहुत बड़ा एरिया है तो आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। वाओ, लुक एट दैट, छोटा सा झरना भी दिखाई दे रहा है, मस्त लग रहा है ना। हम लोग दरगाह के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए हम अंदर जा रहे हैं दरगाह में। काफ़ी अच्छी दरगाह है, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर। चंबल नदी यहाँ से साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। कोटा की इस दरगाह को अमीर कबीर की दरगाह भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी दरगाह है और बहुत बड़ी एरिया में फैली हुई दिखाई दे रही है। इसका मकबरा लगभग 110 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है, और मकबरा चंबल नदी के आसपास के एरिया में बना हुआ है। आप कोटा रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आपको 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप कोई भी पर्सनल व्हीकल लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, जैसे कि हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर अंदर भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है दरगाह। ये देखिए, ये पत्थर के बारे में बात की गई है कि ये पत्थर दरगाह के आसपास है और ये दरगाह से टिका हुआ है। अगर गाइस हम इसको दूर से देखते हैं तो ये दरगाह चट्टान से नीचे दिखती है, यानी कि ये पत्थर के नीचे बनी हुई है दरगाह। दूर से आपको देखने पर यही लगेगा कि ये पत्थर के नीचे दरगाह है। बहुत ही अच्छी दरगाह है, काफ़ी अच्छी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। चारों तरफ आपको चंबल नदी दिख रही है, चंबल नदी है। और ये हम आ गए हैं नदी के पास। कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है, यहाँ पर आप बैठ कर सनसेट भी आराम से देख सकते हैं। गाइस, मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पर बच्चों के साथ में आ रहे हैं तो बी सिक्योर। वैसे तो यहाँ पर रेलिंग्स लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों का ध्यान रखें और अच्छे से उन्हें घुमाएँ। यहाँ आने के बाद आपको नदी, पहाड़, नीला आसमान, मछलियाँ, लगभग सारी चीज़ें आपको देखने वाली हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे कोटा का थर्मल पावर प्लांट भी दिख जाएगा। ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है। तो गाइस, ये थी कोटा की सिटी दरगाह। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।